ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो इसको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस क्या हाल है आप लोगों का? आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग दो लेजेंडरी शोज का आपस में मुकाबला करवाने वाले हैं। तो लेजेंडरी शो 1 है ड्रैगन बॉल जी और लेजेंडरी शो 2 है बेन 10। तो दोनों की तरह से एक एक बंदा आएगा आपस में मुकाबला करने और हम उनकी सारी पावर्स को मिला के मुकाबला करवाएंगे उनके बीच में। ऑलराइट, तो ड्रैगन बॉल जी की तरफ से आ रहे हैं गोकू और बेन 10 की तरफ से कौन आ रहा है? ऑलराइट, तो बेन 10 की तरफ से आ रहा है एलियन एक्स। तो अब हम इन दोनों का मुकाबला करवाने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग एलियन एक्स की वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। एलियन एक्स की स्पीशी की बात की जाए तो एलियन एक्स की स्पीशीज है सेलेस्टियन सेपियन और बेन 10 के सारे एलियंस और पूरे एनिमे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन एलियन एक्स ही है। और उसके अलावा एलियन एक्स की वीकनेस की बात की जाए तो उसकी सिर्फ एक वीकनेस है। आप लोग कहोगे भाई कौन सी वीकनेस है, एलियन एक्स की तो कोई वीकनेस ही नहीं है। तो एलियन एक्स की एक वीकनेस है जो कि है उसको सेरिना और बेलिकस से इजाजत लेनी पड़ती है। वो इतना स्ट्रांग है कि उसको इस तरह तो यूज़ किया जा नहीं सकता। तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी पापा से इजाज़त लेता आने के लिए, इसलिए बेन 10 उसको बहुत कम यूज़ करता है। और ये एक वीक पॉइंट हो सकता है एलियन एक्स का कि उसको यूज़ करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। तो गाइस ये भी एक बेन 10 का डिसएडवांटेज हो सकता है कि गोकू उसके सामने खड़ा और वो वहाँ पर इजाज़त लेने गया और गोकू भी वहाँ पर ही सो जाए। पावर एंड एबिलिटीज, तो गाइस एलियन एक्स की पावर एंड एबिलिटीज की बात करूं तो एलियन एक्स के पास वैसे तो बहुत एबिलिटीज हैं पर हम कुछ के बारे में बात करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है पूरे मल्टीवर्स में। और बात की जाए तो ये तकरीबन इमॉर्टल है, यानी कि लगभग इसको, इसका मतलब है कि ये लगभग इमॉर्टल है, इसको मारा जा सकता है लेकिन ये तकरीबन इमॉर्टल है ऑलमोस्ट। और अगर हम इसकी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकें तो ये इसके पास एक सबसे बड़ी एबिलिटी है जो कि है रियलिटी रैपिंग। रियलिटी रैपिंग क्या होता है गाइस? रियलिटी रैपिंग के अंदर ये किसी को भी एग्जिस्टिंग से सीधा रिमूव कर सकता है, मतलब उसको पूरे यूनिवर्स से रिमूव कर सकता है, किसी चीज़ को वापस रिक्रिएट कर सकता है, यूनिवर्स को मिटाकर दोबारा बना सकता है इन बेन 10 एनिमे ऑब्वियसली। और उसके अलावा किसी को भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में से किसी को भी हटा सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है एक झटके में। ये इसकी बहुत बड़ी पावर है। और उसके अलावा इसके पास बहुत तेज स्पीड है और इसके पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और तो और बात की जाए तो इसने हैंड टू हैंड फाइट के अंदर भी मास्टर्स किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसको हराना लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी एलियन या किसी भी स्पीशी के लिए। तो भाई अगर कोई इसको हरा नहीं सकता तो गोकू कैसे हरा सकता है? तो गाइस आपको यही बताने लगा, रुको, पूरे यूनिवर्स में एक ही ऐसा बंदा है जो शायद इसको टक्कर दे सकता है और वो और कोई नहीं, मैं बल्कि गोकू ही है। जी हाँ, गोकू एक ऐसा सियान है जिससे हम लोग कोई भी पंगा ले नहीं सकता क्योंकि उसका कोई पता नहीं, वो कभी भी किसी भी मूड में आ सकता है। और अगर हम गोकू की बात कर ही रहे हैं तो चलो भाई पावर एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं गोकू की। वैसे तो यार गोकू के पास भी एबिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है, उसकी भी हम लोग कुछ एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें उसके पास यार, लिटरली बहुत सारी चीज़ें। और बात की जाए तो इसके पास 7 फॉर्म्स हैं, सुपर सैन 1, सुपर सैन 2, सुपर सैन 3, सुपर सैन 4 मतलब सिर्फ ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर है। उसके अलावा सुपर सैन ब्लू, फिर सुपर सैन के सारे कायोकेन 10x 20x और फिर सुपर सैन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के 3 साइंस हैं और उसके बाद एंड में जाके वह बनता है सुपर सैन मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अगर आप लोगों ने एनिमे देखी है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि जिरंथ के फाइट के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर में ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर इनका मुकाबला हो रहा था आपस में गोकू और जिरंथ का, जब ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बनता है। वैसे देखा जाए तो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हैंड टू हैंड बैटल में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उसके अलावा उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड है लिटरली। और उसके अलावा उसके और एबिलिटी की बात करें तो उसके पास उसका जो एक मूव है, सिग्नेचर मूव है उसका जो क्या है कामयाब, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और किसी को भी मिटा सकता है। और अगर उससे भी काम नहीं बनता तो उसके पास है स्पिरिट बॉम्ब, जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे वो आसपास की एनर्जी निकालता है उससे वो ईजीली बहुत ही आसानी से बहुत सारी एनर्जी बना सकता है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो भाई साहब तबाही मचा सकता है। और गाइस गोकू के बारे में और बात करें, और गाइस एक और बात बता दूं कि गोकू सिर्फ तभी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन सकता है जब उसको लगे कि वो मरने वाला है या उसका कोई फैमिली मेंबर या कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड मरने वाला है, तब उसको गुस्सा आता है और वो फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन सकता है। आप लोग तो जानते हैं अभी एबिलिटीज की बात हो गई है तो अब हम करवाएंगे मुकाबला, तो रिंग में डालो दोनों को और समझ जाओ कि बेन 10 को एलियन एक्स की इजाजत मिल गई है और गोकू जो है वो भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे अपने हाईएस्ट फॉर्म के ऊपर है। अब दोनों की फाइट अगर होती है तो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत टक्कर देंगे, बहुत फाइट होगी, लेकिन हैंड टू हैंड फाइट के अंदर एलियन एक्स कुछ भी नहीं है गोकू के आगे। जी हाँ गाइज, एक दूसरे को टक्कर तो दे रहे होंगे लेकिन गोकू जो है वो पैदाइशी वॉरियर है भाई, वो उसको हैंड टू हैंड फाइट में हटा ही नहीं सकता कोई क्योंकि वो बचपन से करता आ रहा है और कोई कितना भी हैंड टू हैंड फाइट में मास्टर कर ले, गोकू से ज़्यादा अच्छी वो नहीं कर सकता। तो इसके अंदर तो पॉइंट है गोकू को मिलता है।
दूसरा पॉइंट है स्पीड का। तो यार आप लोग ने जिसने भी एनीमे देखा हुआ है वो जानते होंगे कि मास्टर एंट्रेंस टैंक की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जिरन भी उससे नहीं बच पाया था, और एलियन एक्स तो खैर बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि एलियन एक्स के पास भी बहुत स्पीड है लेकिन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंग जैसी स्पीड तो एलियन एक्स के पास भी नहीं है। तो एक और एडवांटेज मिल गया है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंग को उसकी स्पीड का। और तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट जो कि है विनर का, कि विनर कौन होगा एंड में, तो गाइस आपको मैं बता दूं, बुरा बिल्कुल भी मत मानना, विनर जो है वो होगा एलियन एक्स। जी हाँ गाइस, एलियन एक्स ही विनर होगा हमेशा, चाहे आप लोग कुछ भी करवा लो, कितनी भी एबिलिटीज गिन लो, क्योंकि एलियन एक्स के पास सिर्फ एक चीज़ है, अगर वो ना हो तो वो गोकू के आगे कुछ नहीं कर सकता। एलियन एक्स के पास रियलिटी रैपिंग है भाई, वो गोकू को एक चुटकी में इजीली पूरे यूनिवर्स से मिटा सकता है, उसको एग्जिस्ट होने से भी बिल्कुल बंद कर सकता है कि वो पैदा ही नहीं हुआ था, उसको रियलिटी से गायब कर सकता है पूरा एक ही क्लिक के अंदर। तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एलियन एक्स एक क्लिक के अंदर ही उसको ईजिली हरा देगा। और मुझे नहीं लगता कि एलियन एक्स का मुकाबला गोकू कर सकता है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा यही कि कुछ भी हो जाए यार, एलियन एक्स को गोकू नहीं हरा सकता बिकॉज ऑफ रियलिटी रैपिंग, वो उसको सीधा जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है उसको वहाँ से रियलिटी से मिटा सकता है इजीली इन एनिमे। तो गाइज यही था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन हाँ गाइज, एक जाते जाते बात कहना चाहूंगा कि गोकू को अगर ये सारी बातें पता भी होती ना कि रियलिटी रैपिंग से उसको गायब किया जा सकता है और एलियन एक्स बहुत खतरनाक है, तो भाई वो फिर भी ना डरता। गोकू जैसा बहादुर बंदा तो एलियन एक्स भी नहीं है। अगर गोकू को पता भी होता ना कि रियलिटी रैपिंग हो सकती है और उसको हटा सकता है, फिर भी देख लेते, क्योंकि गोकू मरने के लिए भी तैयार हो जाता लेकिन लड़ता जरूर, क्योंकि वह सच्चा वॉरियर है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, में उम्मीद आपका वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।